लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हो गया है। अब दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है, जिसके लिए राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों का छत्तीसगढ़ दौरे पर आने का सिलसिला अब शुरू हो गया। वहीं इस संबंध में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने विशेष जानकारी देते हुए कहा कि प्रथम चरण की वोटिंग हो चुकी है और प्रत्याशियों से लेकर विधायकों, पूर्व विधायकों और पदाधिकारी को अब नई जिम्मेदारी दी जा रही है। अभी बहुत लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि वो दूसरे चरण के लिए काम करें। वहीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कांग्रेस भी ताकत झोंकने जा रही है। दरअसल एक ओर जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जांजगीर में चुनावी प्रचार करेंगे, तो वहीं बिलासपुर लोकसभा में राहुल गांधी भी प्रचार करने आएंगे। वहीं बीजेपी के 11 सीट जीतने के दावों को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा 11 ही नहीं 400 पार की बात कर रही है। 400 भले ही बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से हालत कितनी खराब है वो सभी जानते हैं। जिम्मेदारी जो प्रथम फर्स्ट चरण में वोटिंग हुआ है हमारे बस्तर क्षेत्र के तमाम हमारे प्रत्याशी से लेके विधायक से लेके पूर्व विधायक से लेके हमारे सभी संगठन के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है और बाकी लोगों को लिस्ट निकल गया, जिम्मेदारी दी जा रही है। आज बहुत सारे लोगों को फिर जिम्मेदारी देंगे ताकि दूसरा चरण में आके वो काम कर सके। भारतीय जनता पार्टी तो 11 के, वो तो 400 जीतेंगे बोल रहे हैं, तो 400 मुंह से जरूर बोल रहे हैं लेकिन अंदर से कितनी हालत खराब है वो सबको पता है।